प्रदेश में लगातार शहीद स्मारक पर अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर धरना देते हुए दिखाई देते हैं। आज शहीद स्मारक पर फिर से बीएससी अभ्यर्थियों ने अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। हम लगातार इन अभ्यर्थियों से इनकी मांगों को लेकर जानने का प्रयास करेंगे। सर, जो आज आप प्रदर्शन कर रहे हो, किन मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हो? हम रजिस्ट्रेशन नंबर के मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हम तिरुपति कॉलेज ऑफ नर्सिंग के छात्र हैं, जो कि पैसिफिक मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी से संकलित है, और हमने बीएससी नर्सिंग में जब एडमिशन लिया था 2019 में, तब राजस्थान नर्सिंग काउंसिल और इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग की मान्यता देखकर एडमिशन लिया था। और अब हमारा 4 वर्ष का कोर्स पूर्ण हो चुका है, लेकिन राजस्थान नर्सिंग काउंसिलिंग हमको रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड नहीं कर पा रही है। सर, क्यों आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं दिए जा रहे हैं? सर, 2021-22 की मान्यता रद्द करने का हमारे पास स्टेटमेंट आया था। जब हमने एडमिशन लिया तब तो आरएनसी और आईएनसी दोनों की मान्यता थी, पर हमारा थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में आते आते इनने मान्यता रद्द कर दी। तो मान्यता रद्द कर दी तो इनका कहना है कि आपकी कोई रिक्वायरमेंट पूरी नहीं है, जबकि हमारा जो इंस्पेक्शन हुआ उसमें सक्सेसफुल रहा और रिक्वायरमेंट हमारी है, पर यह आपसी किसी भेदभाव से यह आरएनसी हमको आरएन नंबर नहीं दे रही है। जो आप प्रदर्शन कर रहे हो, सरकार के खिलाफ कर रहे हो या आरएनसी के खिलाफ? आरएनसी के खिलाफ, आरएनसी और गवर्नमेंट दोनों के खिलाफ। कब तक प्रदर्शन जाएगा? जब तक आरएन नहीं मिलेंगे। सर, आप कहाँ से आए हैं और जो आज की मांग है उसको लेकर? जी, मेरा नाम सूरज राठौड़ है, मैं उदयपुर से आया हूँ। हमने 2018 में नर्सिंग के एडमिशन लिया था। जब हमने एडमिशन लिया था तब उस कॉलेज की मान्यता थी, पर पता नहीं किसी कारणों की वजह से आज हमें 4 साल का कोर्स, अब 6 साल हो गए, 2 साल और ऊपर हो गए, अभी तक हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आया। इनके आपसी कारणों की वजह से जो 300 से 400 छात्र है वो सभी अभी पीड़ित हो रहे हैं। हमने हर मिनिस्टर के सामने गए, हर मिनिस्टर का दरवाज़ा खटखटाया, उनको बोला कि हमारी कोई गलती नहीं है, गलती जो है वो जिसकी भी गलती है, मैनेजमेंट की गलती है, वो आप उनसे डील करो, उनकी वजह से हमें क्यों पीड़ित कर रहे हो। हम यहाँ पे बैठे हैं, हम यहाँ पिछले 9 दिनों से जयपुर में हर जगह जा के हमारी मांगे बताई जा रही है कि हमें ये पीड़ा है, हमारी आरएन नहीं है, इसकी वजह से हम कहीं जॉब नहीं कर सकते, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट। बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो गवर्नमेंट में सिलेक्शन होने के लायक है, फिर भी वो अभी कुछ नहीं कर पा रहे। सरकार के अधिकारियों को भी आपकी पीड़ा सुनाई आपने? हमने मिनिस्टर्स के पास गए, हेल्थ मिनिस्टर के पास गए, सीएम के पास गए, आरएनसी के पास गए, सब जगह पे गए, बट उन्होंने कोई अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, हमें ऐसा कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला है। और हमारा यही मांग है कि जब तक हमें आरएन नंबर नहीं मिलेंगे तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। देखिए, लगातार ये अभ्यर्थी सुबह से यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, तमाम अभ्यर्थी हैं यहाँ, कुछ महिला अभ्यर्थी भी हैं। मैम, जो किस मांग को लेकर आप प्रदर्शन कर रहे हैं? मेरा नाम मीनाक्षी है, मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। जैसे कि आपको बॉस ने बता दिया कि हमारा क्या मसला है, मतलब हम लोग 4 साल की पढ़ाई 6 साल में हमारी कंप्लीट हो रही है, अब हम घर पे भी क्या बताएं कि हम मतलब हमारे साथ क्या हुआ है, अब हम उनको भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। वो लोग भी तो हमारे भरोसे हैं ना, उन लोगों ने इतना पैसा लगाया, इतना टाइम स्पेंड किया कि वो लोग पढ़ेंगे, पढ़ के कुछ कमाएंगे, हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो बस यही है कि हमारे रजिस्ट्रेशन हमें मिल जाएँ, हमें और कुछ नहीं चाहिए। देखिए, तमाम अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन नंबर को लेकर लगातार यहाँ पर सुबह से ही प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ और अभ्यर्थी हैं, उनसे इनकी पीड़ा जानने का प्रयास करेंगे। सर, सुबह से आपका प्रदर्शन चल रहा है, क्या आगे से कोई वार्ता के लिए बुलावा आया अभी तक? सर, अभी तक तो कोई बुलावा नहीं आया है। पिछली बार जब हमने ये किया था प्रदर्शन, तब बुलावा आया था और हम अंदर गए थे, हमने हमारी जो मांगी थी और हमारी जो समस्या थी हमने बताई थी, पर अभी तक कोई कार्रवाई होती हमें दिख नहीं रही है। सर, यहाँ सभी एक ही कॉलेज के हैं या अलग अलग यूनिवर्सिटी? सर, बिल्कुल सर, अभी यहाँ सभी एक ही कॉलेज के हैं, तिरुपति कॉलेज ऑफ नर्सिंग, बिलो का बेदला पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, और 2018 बैच, 2019 बैच, और 6 महीने बीते बीते 2020 बैच भी पास आउट हो जाएगा। तो लगभग लगभग आप 250 से 300 बच्चे आप मान सकते हैं कि अभी उनकी ज़िंदगी अंधकार में, आरएन ना आने की वजह से। रजिस्ट्रेशन नंबर क्यों नहीं मिल रहा, कोई लापरवाही बदल रहा है इसमें, कोई आपकी तरफ से बोल? सर, आरएनसी कहती है कि कॉलेज मान्य नहीं है, अगर कॉलेज मान्य नहीं है तो आज भी आईएनसी और आरएनसी की जो लिस्ट निकलती है उसमें कॉलेज का नाम क्यों है? न तो कॉलेज का नाम होता, न हम एडमिशन लेते, हम इतने तो नहीं, हमने 12वीं पास करी, हमें थोड़ी पता होता सर कि नर्सिंग के लिए आरएन नंबर चाहिए होता, क्या होता, हम वो बाद में हमें पता पड़ा। अभी भी क्या है इस कॉलेज में स्टूडेंट अध्ययनरत हैं? अभी फिलहाल इस साल के जो एडमिशन नहीं लिए हैं, क्योंकि आरएनसी ने ये इस दिक्कत की वजह, बाकी अभी भी अध्ययनरत हैं, कुछ पढ़ रहे हैं और कुछ 6 महीने में पास आउट भी हो जाएंगे, और दिक्कत अभी बनी हुई है और हम चाहते हैं कि इसका जल्दी जल्दी समाधान हो। तब तक प्रदर्शन जारी? सर, प्रदर्शन जब तक जारी रहेगा जब तक हमें आरएन नंबर नहीं मिल जाते, क्योंकि हम बिना आरएन नंबर के हम अभी सिर्फ 12वीं पास हैं, और हमारा आगे हमें भविष्य तो हमारा अंधकार में नज़र आ रहा है।
देखिए तमाम अभ्यर्थी तिरुपति कॉलेज से जुड़े हुए हैं और ये सभी अभ्यर्थी बीएससी नर्सिंग के छात्र हैं। वो लगातार सुबह से ही ये रजिस्ट्रेशन नंबर को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार और जो आरएनसी है उससे ये अनुरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं सुनील कुमार, कैमरामैन सहयोगी संजय शर्मा के साथ द नगरी मीडिया।